नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी क्लिनिक रन कर रहे हैं तो आपके ये पांच इक्विपमेंट आपके क्लिनिक में होना बहुत ज़रूरी है। पांचों इक्विपमेंट के बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे, उसके उपयोग के बारे में बात करते हैं और उसकी कुछ नॉर्मल रेंज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला मेडिकल डिवाइस है वो है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, कोरोना में आप सभी लोगों को पता लग गया होगा ऑक्सीमीटर कहाँ पर उपयोग में होता है, क्योंकि कोरोना में आप सभी लोगों ने या तो हॉस्पिटल में या अपने घर में एक बार आपने ऑक्सीमीटर ज़रूर उपयोग में लिया होगा। ऑक्सीमीटर का उपयोग है आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को चेक करने के लिए, इसको उपयोग में लिया जाता है, या आपकी पल्स रेट को चेक करने के लिए भी ऑक्सीमीटर का उपयोग में लिया जाता है। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल आपका 95 से आपको 100 तक होना चाहिए, या आप मैक्सिमम अगर रेंज की बात करें तो आप 90 से 100 के बीच में आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, तो एक नॉर्मल है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तो आपको कहीं कहीं ऑक्सीजन की लेवल के आपके शरीर में आपके ब्लड में कमी है। ओके, पल्स रेट अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो पल्स रेट है वो 60 से 100 तक आपकी रेंज आ रही है, तो नॉर्मल है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो मेडिकल डिवाइस है वो है थर्मोमीटर। मार्केट में दो तरीके के थर्मोमीटर अवेलेबल है। सबसे जो पहला थर्मोमीटर है वो मैनुअल थर्मोमीटर, जो कि आपने ग्लास का देखा होगा, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक मैनुअल थर्मोमीटर होता है जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है और आप इसको हैंडल करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टूटने की जो ब्रेक होने की जो रिस्क है बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड जो मार्केट में अवेलेबल है वो है डिजिटल थर्मोमीटर, जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा आप अपना शरीर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आप इसे इसकी जो रीडिंग है वो सेल्सियस में भी ले सकते हैं और फॉरेनहाइट में भी ले सकते हैं। आप इसको अपने मुंह में रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं टेम्परेचर, या आप अपने बगल में रखकर भी चेक कर सकते हैं। और कुछ डॉक्टर हैं पेशेंट को रेक्टल में भी आपका ब्लड टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, तो थर्मोमीटर के द्वारा आप अपना शरीर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंक्यूबेट होता है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों, इस तरह का आपने हर डॉक्टर के पास में देखा होगा, क्लिनिक में देखा होगा। मार्केट में मैनुअल भी अवेलेबल है और डिजिटल भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है, जो मैनुअल भी है और डिजिटल भी अवेलेबल है, और मेडिकल भाषा में इसमें स्फिग्मोमैनोमीटर भी हम इसे कहते हैं। इसके द्वारा आप अपना शरीर का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120/80 होती है। 120 आपका सिस्टोलिक होना चाहिए और 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका 120 से ज़्यादा आ रहा है, 130/140 आ रहा है, या 80 से 90 100 तक आ रहा है डायस्टोलिक, तो आपको कहीं ना कहीं हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडिकल डिवाइस होती है वो है ग्लूकोमीटर। दोस्तों, ग्लूकोमीटर जो है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आपके घर में डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, तो आपके घर में ये ग्लूकोमीटर आपने देखा होगा, क्योंकि डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसको रेगुलर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपके घर में एक ग्लूकोमीटर होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है, या खाना खाने के बाद का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, या आफ्टर 2 आवर जो मील के बाद में जो ब्लड शुगर लेवल आपको चेक करना होता है, तो आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। इसमें ग्लूकोमीटर की एक मशीन होती है, लैंसेट होता है, एक शूट करने का एक डिवाइस होती है, ठीक है, एक स्ट्रिप होती है जो ग्लूकोमीटर में डालकर आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फाइनल जो पांच नंबर का जो मेडिकल डिवाइस है वो है नेबुलाइजर। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी कस्टमर का कोई पेशेंट है, COPD का पेशेंट है, मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्टेट्रिक पुलमोनरी डिजीज़ का कोई पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट है जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो आपके घर में नेबुलाइजर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो नेबुलाइजर है आप बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड एज के जो पेशेंट है उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, जो COPD के जो पेशेंट होते हैं, उनको डॉक्टर हैं कुछ साल्बुटामोल्स हैं, टर्बुटालिन्स वगैरह हैं, पाउडर है प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप इस नेबुलाइजर मशीन में डालकर भी इजीली मास्क के द्वारा आप अपना इजीली से आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी श्वसन लेने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है, तो आप मास्क के द्वारा नेबुलाइजर मशीन की हेल्प से भी आप सांस ले सकते हैं, और इसे आप बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए छोटे मास्क आते हैं, जो न्यूनेटल जो मास्क होते हैं
ठीक है, बड़ों के लिए एडल्ट मास्क आते हैं जो आप हर किसी मेडिकल स्टोर में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पांच बेसिक इक्विपमेंट मेडिकल डिवाइस आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं तो क्लिनिक में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पाँच बेसिक मेडिकल डिवाइस के बारे में, जो कि आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आपको मिलेगा सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।